अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने स्टडी करना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कि कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर एज फॉलोज। फर्स्ट पे है इनपुट डिवाइसेस, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। अब इनपुट डिवाइसेस से पहले हमने डिफाइन देखी है इनपुट की। इनपुट बेसिकली क्या है कि डेटा या इंस्ट्रक्शन हिदायत का ऐसा मजमुआ जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है। A hardware component used to enter data and instruction into computer is called input device. लेकिन वो data या instruction जो हम computer को दे रहे हैं उसमें उनको enter करने के लिए जिन जो चीज़ें required होती हैं like keyboard का होना लाजिम है या mouse होना ज़रूरी है, तो ये हमारे hardware components हैं। Used to enter data and instruction into computer is called input devices. तो इसको हम hardware component या input devices कह सकते हैं। Different types of input devices are used into इनपुट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, कि अगर हमने अपना डाटा एंटर करना है या कोई भी चीज़ हमने इनपुट करनी है एंटर करनी है उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेज यूज कर सकते हैं। मोस्टली कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेज आर एस फॉलोज। यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि जो ज़्यादा नॉर्मल यूज होने वाले हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं उसमें कीबोर्ड है, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। अब वन बाय वन हम इनको अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट पे कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट, इट कंटेन्स अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक एंड अदर कीज फॉर एंटरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। इट मींस के जो कीबोर्ड है ये एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है, फिजिकल पार्ट है, हार्डवेयर है। इसको हम यूज़ कर रहे हैं अपना डाटा एंटर करने के लिए। डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, अल्फाबेटिक हो सकता है, न्यूमेरिक या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कीबोर्ड के पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिक पार्ट्स होते हैं जिसमें नंबरिंग आ रही होती है, अल्फाबेटिक में हमारे लेटर्स आ रहे होते हैं ए टू जी, स्पेशल कैरेक्टर में हमारे स्पेशल फॉर्म कैरेक्टर आ रहे हैं या फिर फंक्शन कीज आ रही होती है हमारे पास। स्पेशल कैरेक्टर मीन्स जिस तरह हम कॉलन, फुल स्टॉप, कोमा, इस तरह के हम जो है कैरेक्टर यूज करते हैं। माउस है हमारे पास, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इट कंट्रोल्स द प्रिंटर पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। देखिए जी, इसमें एक बात की है कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है, कंट्रोल करता है पॉइंटर को स्क्रीन पे जो शो हो रहा होता है जिसे हम कर्सर कहते हैं। कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने में ये इसका हाथ है माउस का, क्योंकि माउस जो है ये अपना रोल प्ले कर रहा है। इसमें हम पॉइंट आउट करते हैं अपने, अगर हमने एक चीज़ लिखी है और उसको हमने बैक करना है या उसको सेंटर में स्पेस, तो इसके लिए माउस होना लाजिम है। माउस का काम हम कीबोर्ड से भी ले सकते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी इतनी नहीं होती जितना कि अच्छा रोल प्ले माउस कर रहा होता है। द यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर यूजिंग माउस, के जो यूजर है वो अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ माउस। इट कंटेन्स डिफरेंट बटन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ प्रोग्राम। के जो माउस है इसके जो डिफरेंट बटन हैं इससे हम काफ़ी काम ले सकते हैं, क्योंकि वो जो इसके बटन हैं वो इसके एट्रीब्यूट काउंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिस तरह एक बॉल होती है माउस के सेंटर में, राइट क्लिक हो गया, लेफ्ट क्लिक, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड पे आ रहा है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज यूज्ड टू एंटर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। कि अगर हमने कोई वॉइस या कोई अपने ऑडियो हमने एंटर करनी है तो उसके लिए हमारा माइक्रोफोन होना ज़रूरी है। स्कैनर है, ये एक इनपुट डिवाइस है, इट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, के ये रीड करता है, इसका काम है रीड करना प्रिंटेड टेक्स्ट, कोई भी प्रिंट किया हुआ टेक्स्ट, ग्राफिक एंड ट्रांसलेट्स रिजल्ट इन डिजिटल फॉर्म, और ट्रांसलेट करना रिजल्ट को डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल कैमरा है हमारे पास, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक एंड स्टोर पिक्चर इन डिजिटल फॉर्म। अगर हमारे पास डिजिटल कैमरा है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसे किसी भी पिक्चर को लेने में या स्टोर करने में इन डिजिटल फॉर्म, कि हमारी जो पिक्चर है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाए। इसके बाद है हमारे पास, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ये डायग्राम देखें, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, टच पैड, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ये इनपुट हैंडलिंग है जो कि हमारे उस चीज़ को एंटर करने में यूजफुल होती हैं जो चीज़ हमने उस टाइम परफॉर्म करना होती है। लाइक अगर हमने डाटा एंटर करना है तो कीबोर्ड तो रिक्वायर्ड होगा, माउस भी हो सकता है, कोई चीज़ हमने स्कैन करनी है स्कैनर की ज़रूरत होगी, कोई आवाज़ हमने अगर भेजनी है तो हमारे पास माइक्रोफोन होना ज़रूरी है, अगर कोई पिक्चर लेनी है तो हमारे पास हमारा डिजिटल कैमरा ज़रूरी है। इसी के साथ आउटपुट डिवाइसेस पे अगर आएँ तो ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। सबसे पहले देखिए आउटपुट क्या है, द डेटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट।
कि ऐसा डाटा जो एक प्रोसीजर के थ्रू गुजर के एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है वो एक आउटपुट होती है, तो वो आउटपुट डिस्प्ले होने के लिए कोई डिवाइस का होना ज़रूरी है। जिस तरह इनपुट डिवाइसेस थी, इसी तरह से आउटपुट को आउटपुट शो करवाने के लिए डिवाइसेस होना ज़रूरी है। अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूज़र इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कि डिस्प्ले करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। देखिए बेटा, इसमें एक चीज़ है मॉनिटर डिस्प्ले, कि अगर एक हमने चीज़ अपनी एंटर की थी, इंस्ट्रक्शन थी हमारी, इनपुट चल रही थी हमारी, लेकिन जब उसमें प्रोसीजर के थ्रू गुजर के इंफॉर्मेशन शो करवाई, तो वो उसके लिए हमारे पास डिस्प्ले या मॉनिटर होना ज़रूरी है। अगर हमने उसका प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंटर होना ज़रूरी है। अगर हमने उसकी जो चीज़ हमने अपने वॉइस को हमने ऑडियो को इनपुट किया था, किसी भी यूज़र इनपुट करने के बाद अगर उसको क्या करना है सुनना है, तो स्पीकर होना ज़रूरी है। इसके साथ हेडफोन जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई गई है मॉनिटर डिस्प्ले, ये भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर प्रिंटर हेडफोन्स, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए मॉनिटर क्या है। मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड वीडियो आउटपुट। देखिए मॉनिटर जो इस्तेमाल होता है डिस्प्ले करने के लिए कोई भी हमारा टेक्स्ट, कोई भी ग्राफिक एंड वीडियो आउटपुट, ये इसके लिए हमारा मॉनिटर होना ज़रूरी है। प्रिंटर का काम देखिए, प्रिंटर इज़ यूज टू डिस्प्ले प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर, कि अगर हमने अपनी उस सॉफ्ट चीज़ को, सॉफ्ट टेक्स्ट को अगर उसका प्रिंट लेना तो प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी हमें। स्पीकर इज़ यूज टू हेयर साउंड, कि अगर हमें आवाज़ सुननी है तो उसके लिए स्पीकर होना ज़रूरी है। वो आवाज़ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, कोई भी वॉइस आउटपुट हो सकती है। सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट इज़ अ केस दैट कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा, कि किसी भी डाटा को प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही थी उसमें सारा जो काम रोल प्ले कर रहा था वो सिस्टम यूनिट करता है। ऑल कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट, कि अगर हमारे पास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम देखें उसमें सिस्टम यूनिट होना ज़रूरी है और होता भी है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड, और वो सिस्टम यूनिट उसके साथ कनेक्ट होता है मदरबोर्ड के साथ वो अटैच होता है, कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड, क्योंकि सिस्टम यूनिट में जो रोल प्ले कर रहा है वो मदरबोर्ड भी है, तो मदरबोर्ड को हम जो है सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, और मेन बोर्ड भी कहा जा सकता है इसे। सिस्टम बोर्ड इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, के जो सिस्टम बोर्ड है वो एक कम्युनिकेशन मीडियम है हमारे उस कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र है। देखिए जब ये बताया हमें सिस्टम यूनिट कहाँ पे मौजूद होता है, ये सिस्टम यूनिट है हमारे पास। इसके बाद है हमारे मदरबोर्ड, ये चिप्स होती हैं। इसके बाद जो मेमोरी ट्रांजिस्टर होते हैं, जो कि मेमोरी वर्क कर रहे होते हैं, इसमें प्रोसेसर होते हैं, तो ये हमारे सिस्टम यूनिट्स हैं। अब इसमें टू मेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट आर एस फॉलोज, टू मेन कंपोनेंट्स जो कि सीपीयू और मेमोरी। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, क्योंकि ये डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तो वो सारा काम सीपीयू का होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, इट परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन्स नीडिड फॉर द प्रोसेसिंग, इट आल्सो कंट्रोल द ऑपरेशन इन साइड द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर इन साइड द कंप्यूटर जो जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जो जो कंपेरिजन कैलकुलेशन, जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, मैथमेटिकल हो गई, वो सारा जो है उसमें सीपीयू ही काम कर रहा होता है। इट आल्सो कंट्रोल द ऑपरेशन इन साइड द कंप्यूटर, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू, के सिस्टम में अगर सीपीयू नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ब्रेन है कंप्यूटर का। इसमें ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें सीपीयू होना ज़रूरी है। मेमोरी है, द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरली इज कॉल्ड मेमोरी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी हो सकती है, मेन मेमोरी हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारे इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरली स्टोर करना होता है, तो इसे मेमोरी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स माउंटेड ऑन द मदर बोर्ड, के मदर बोर्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, ये जो इस जगह पाई जाती है सारा मेमोरी अकाउंट होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से पहले जो हमारा डेटा स्टोर हुआ पड़ा होता है, अभी प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं आई होती हमारे पास, तो वो इनपुट जो है हमारी यहीं पर ही एग्जिस्ट कर रही होती है इस जगह में, मेमोरी में। ये है हमारी मेमोरी।
It also stored process data after processing until data is sent to the output devices. अब इसमें है कि अगर वो data हमारा एक processing से गुजर के information बन गया तो तब भी हमें इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. The main memory is also called volatile because its contents are lost when the computer is turned off. देखिए इसमें एक बात की है कि main memory जो है इसको हम volatile नहीं कह सकते हैं. Volatile क्यों? क्योंकि because इट कंटेंट्स आर लॉस्ट, कि इसके जो कंटेंट्स हैं जो हमारे डेटा हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं व्हेन द कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ, कि जब हमारा कंप्यूटर टर्नड ऑफ होता है. स्टोरेज डिवाइसेस में देखिए जी, द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. दे आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल एज देयर कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ. अब यहाँ पे है जो चीज़ हमारी कंप्यूटर में कंटेंट्स हैं वो लॉस्ट नहीं होते अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए व्हेन कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ, क्योंकि उसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं. अब ये स्टोरेज डिवाइसेस में हम एक चीज़ देखेंगे, द स्टोरेज डिवाइसेस आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड कैपेसिटीज. दे कैन बी इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर और अटैच टू द कंप्यूटर एज एन एक्सटर्नल डिवाइस लाइक फ्लैश, USB कह सकते हैं. अब इसमें है सम एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज आर एज फॉलोज, हार्डवेयर, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड. ये देखिए जी, हार्डवेयर जो है हार्ड ड्राइव, इट इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट CPU टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स. जो फ्लैश ड्राइव है पोर्टेबल ड्राइव कह सकते हैं इसे, इट इज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. ये भी स्टोरेज डिवाइस है लेकिन पोर्टेबल है, हम एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं. टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, ऑडियोज एंड वीडियोज etc. इट कैन बी यूज टू मूव फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर इजीली. ऑप्टिकल डिस्क का काम देखिए, इट इज जनरली यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर, फोटोज, मूवीज एंड म्यूजिक. मेमरी कार्ड, इट इज रिमूवेबल फ्लैश मेमरी दैट इज यूज टू स्टोर फोटोज, ऑडियोज, फाइल्स एंड अदर कंटेंट्स. अब यहाँ पे है जी स्टोरेज डिवाइसेस, डिस्प्ले की हुई है, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मेमरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क, USB, फ्लैश ड्राइव, ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं.